गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज डेट है 24 सितंबर और डे है ट्यूसडे। मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और मैं इस टाइम किचन में हूँ। अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स बना रही हूँ और आज मैं लंच बॉक्स में उन्हें बैंगन का भरता देने वाली हूँ। तो बस बैंगन का भरता छोंकने की तैयारी करती हूँ। मैंने 2 टमाटर लिए हैं और 7-8 हरी मिर्च ली हैं और 8-10 लहसुन लिए हैं, 1 प्याज लिया है। तो प्याज लहसुन और हरी मिर्च को मैं एक साथ चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अदरक मेरे बेटे को पसंद नहीं है। वो कहता है मम्मी जब मुंह में आती है तो मिर्च लगती है, तो इसी वजह से मैं इसमें अदरक नहीं ऐड कर रही हूँ। लेकिन हम लोगों को तो अदरक अच्छी लगती है, आप चाहें तो इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं। तो टमाटर को मैं बाद में चॉप करूंगी, पहले प्याज लहसुन और हरी मिर्च को चॉपर में चॉप कर रही हूँ। और इधर कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी थी, तो कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था तो ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो अब मैंने इसमें जीरा भी ऐड कर दिया है और जीरा के गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें प्याज और लहसुन और हरी मिर्च जो चॉपर में चॉप करके रखी थी तो वो भी ऐड कर दी है। और मैं इसमें हींग डालना भूल गई थी तो अब मैं इसमें हींग भी ऐड कर देती। तो जैसे ही मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन होगी तो मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। तो आज बेटा मना कर रहा है कि उसे बैंगन का भरता लेकर नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि उसे पसंद नहीं है, लेकिन आज मना कर रहा है। और उसे आजकल प्याज का पराठा बहुत पसंद आ रहा है, तो डेली मुझसे यही कहता है कि मुझे तो लंच में प्याज का पराठा देना। तो मैं उसके लिए तो प्याज का पराठा बनाऊंगी और बेटी को बैंगन के भरते से दूंगी। मैंने सोचा भरता बना लेते हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट भी इसी से हो जाएगा। और आफ्टरनून में अगर थोड़ा सा बचेगा तो दाल वगैरह कुछ बना लेंगे। तो बस मैं यहाँ पर बैंगन का भरता छौंक रही हूँ और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा कलर आया है। तो भरते को हम अगर मीडियम फ्लेम पे करके रख देते हैं तो धीरे धीरे भरता भुनता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मेरा भरता रेडी हो चुका है। तो साइड में मैंने पराठे भी सेक लिए थे, तो अब मैं भरते को एक डोंगे में कर कर रख रही हूँ और फिर बच्चों का लंच बॉक्स पैक करूंगी। बेटे के लिए मैंने प्याज का पराठा बनाया था क्योंकि अगर हम मैं उसे जबरदस्ती दे भी देती तो वो खाता नहीं और बचा कर ले आता, बस ऐसे ही रूखा पराठा खा लेता। और देखिए भरता बनकर रेडी हो चुका है और यहाँ पर मेरा बेटा भी रेडी हो रहा है, उसके पापा उसे रेडी कर रहे हैं। बेटी खुद हो जाती है, बेटे को उसके पापा रेडी कर देते हैं और फिर मैं लंच बॉक्स बना देती हूँ। तो बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है क्योंकि एक तो प्याज का पराठा बन गया और प्याज का पराठा उसका फेवरेट है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं अपना पोछा लगा रही हूँ और झाड़ू तो मैं मॉर्निंग में ही लगा लेती हूँ। तो झाड़ू की वजह से ही मैं बहुत जल्दी उठती हूँ क्योंकि झाड़ू अगर एक ठीक से लग जाती है तो टेंशन हट जाती है, फिर पोछा लगाना रहता है। तो पोछा मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ, बच्चे अपने शूज लेकर इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो पोछा जब भी लगाती हूँ जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद मैं अपना बाकी का क्या सारा काम ही रह जाता है। बस मॉर्निंग में तो बच्चों को स्कूल से भेजना ही हो पाता है। तो मैं जल्दी जल्दी से सारे कमरों में पोछा लगा लूंगी क्योंकि फिर हस्बैंड के लिए भी मुझे ब्रेकफास्ट तैयार करना है। तो सारे रूम में पोछा लगाने के बाद किचन में भी पोछा लगा दिया है और अब मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ। तो बेडरूम में मैं दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि बच्चे शूज लेकर बेडरूम में ज़्यादा घूमते हैं, बेडरूम में और आंगन में। तो मुझे बेडरूम में और आंगन में उनके जाने के बाद दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ। तो बच्चे तो घूमते ही रहते हैं और रूम में वो ज़्यादा नहीं जाते हैं, बस बेडरूम में आंगन में रहते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दोबारा से झाड़ू लगाना होती है। तो अब सारे कमरों में पोछा लगाने के बाद अब मैं आंगन में पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। तो मैं ज़्यादातर आंगन में पोछा ही लगाती हूँ, पानी डालकर नहीं धोती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, पानी के धब्बे फिर फर्श पे पड़ जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं ज़्यादातर आंगन में पोछा ही लगाती हूँ, बस जहाँ मेरी टंकी लगी है तो वहाँ थोड़ा सा पानी फैल जाता है, तो बस वहाँ पानी डालकर थोड़ा सा धो देती हूँ, फिर उसको भी पोछे से सुखा देती हूँ क्योंकि पानी डालने से पानी के धब्बे गंदे गंदे से लगते हैं। तो इसी वजह से पोछा लगा देते हैं हम, तो बहुत चमक सी भी आ जाती है और बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं जल्दी जल्दी से पोछा लगा रही हूँ और फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी।
फ्रेंड्स, अब आफ्टरनून के 2 बज चुके हैं तो मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आई थी, फिर अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ उनके लिए आफ्टरनून का लंच बनाने। तो बस हम लेडीजों को तो हर समय किचन में ही रहना पड़ता है, चाहे कोई भी टाइम हो, किसी भी टाइम हो, तो ज़्यादातर हमारा वक्त तो किचन में ही गुजरता है। तो मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आई थी तो अब मैं उनके लिए यहाँ पर गर्मा गर्म खाना बना रही हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, खाना बनकर मेरा रेडी हो चुका है और आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। मैंने बच्चों के लिए खाना परोस दिया है तो मेरे बच्चे बाहर खाना खा रहे हैं आंगन में बैठकर, और मौसी भी हैं उनकी, और दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ पर उनके लिए गरम गरम पराठे सेक रही हूँ। और देखिए बेटा मेरा शैतानी भी करता जा रहा है, साथ ही साथ खाना पचाता भी जा रहा है, खाता भी जा रहा है, और तीनों लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद मैं बाहर आई तो देखा बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आई थी तो मौसम साफ था, और जब हम लोगों ने खाना खाया तो खाना खाने के बाद मैंने गेट खोला और मैं अपनी बालकनी में आकर खड़ी हो गई तो देखा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। और गर्मी में अगर बारिश हो तो मौसम बहुत अच्छा लगता है, तो मौसम एकदम से बदल गया था और काफी अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा इसको शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज डेट है 24 सितंबर और डे है ट्यूसडे, और 2:30 बजे का टाइम हो चुका है। खाना वाना हमारा सब हो गया है और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। बच्चों को स्कूल से लेकर आई थी, फिर उसके थोड़ी देर बाद मैंने खाना बना लिया और खाना वाना सब हो चुका है। मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि कई दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है और आप लोगों से मेरी बात भी नहीं हो पाई है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे थे तो मैं उसी में बिजी थी। और कल मेरे बच्चों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो अब कुछ आधी टेंशन तो खत्म हो ही गई है। मैंने सोचा अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, और जब मैं आप लोगों से बात नहीं करती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, मैंने सोचा बच्चों के एग्जाम जरूरी हैं, वीडियो तो बाद में भी हो जाएगा, वीडियो का काम तो बाद में भी हो जाएगा, पहले बच्चों के एग्जाम जरूरी हैं, तो बस मैं उसी में बिजी थी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे नए व्यूवर हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कमेंट करके मुझे ये बताना कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स बस हमारा खाना वाना हो गया है, और आज मैंने बैंगन का भरता बनाया था, मॉर्निंग में ही बना लिया था, क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे दूंगी और फिर हमारा ब्रेकफास्ट भी इसी से हो जाएगा, लेकिन आज मेरे बेटे ने साफ साफ बोल दिया कि उसे बैगन का भरता नहीं लेकर जाना है, प्याज का पराठा लेकर जाना है। तो फिर मैंने बैगन का भरता तो बना ही लिया था, फिर बच्चों के लिए प्याज का पराठा बनाया, तो वो लंच बॉक्स में प्याज का पराठा ले गए, फिर ब्रेकफास्ट में हमने थोड़ा सा बैगन का भरता खा लिया, और फिर वो बचा रखा है, वेज रायता भी बनाया था तो वो भी बचा रखा है, तो बस अब हमारा लंच उसी से हो जाएगा, क्योंकि आफ्टरनून में इतनी तेज भूख भी नहीं लगती है और दिन भी आजकल बहुत छोटे होने लगे हैं, तो इसी वजह से हमने सोचा हस्बैंड तो है नहीं, हस्बैंड होते हैं तो थोड़ा सा बनाना पड़ता है, तो वो तो शॉप पर है, मेडिकल पर है, तो मैंने सोचा हम लोगों का क्या है, इसी से खा लेंगे, और अब फिर रात में डिनर में कुछ और बनाएंगे, देखो अभी सोचा नहीं है। और फ्रेंड्स बस बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और उन्हें थोड़ा सा पढ़ाना है, तो बस, और बस बच्चों की शैतानियां शुरू हो जाती हैं। और मैंने आज आप लोगों के साथ कुछ अपने जो बच्चों के स्कूल से जाने के बाद जो मेरा रूटीन होता है और जो मेरा काम बाकी रह जाता है वो करती हूँ, बाकी क्या सारा ही काम रह जाता है, बस मॉर्निंग में तो बच्चों का ही हो पाता है, तो
तो आज मैंने कुछ हल्का फुल्का सा आपके साथ शेयर किया है, ज्यादा तो शूट नहीं कर पाई, तो आप लोग भी देखना। वैसे काम तो मॉर्निंग में बहुत होते हैं, इतने आफ्टरनून में नहीं होते हैं जितने मॉर्निंग में होते हैं। हमें सारा कुछ समेटना पड़ता है, इधर उधर संभालना पड़ता है, तो बस बच्चों के जाने के बाद अधिकतर घरों में ऐसा ही होता है। पहले बच्चों को स्कूल भेजते हैं, फिर घर का सारा काम जो होता है सभी फैल जाता है, क्योंकि बच्चे एक कपड़ा इधर डालते हैं, एक कपड़ा उधर डालते हैं, तो सारा घर इधर से उधर समेटते हैं। चाहे हम कितना भी रात में समेट के सोएं, लेकिन फिर सुबह को सारा का सारा वैसे ही फैल जाता है। और आजकल दिन भी बहुत छोटे से होने लगे हैं, और अभी तो मौसम कुछ कुछ चेंज हो गया है। जब हम अंदर होते हैं तो फैन में भी हमें हल्की हल्की सी ठंडक सी लगती है, और जब हम धूप में जाते हैं तभी थोड़ी सी गर्मी लगती है। वैसे मौसम तो अब चेंज हो ही चुका है, और अब त्योहार भी आने वाले हैं। श्राद्ध के बाद नवरात्रि शुरू हो जाएगी, फिर दिवाली है, फिर यही सारे काम हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ मुझे इस बार पुताई तो करानी नहीं है, पेंट वगैरह हमें कुछ नहीं कराना है, तो थोड़ी सी साफ सफाई करनी है। डेली में तो हम करते ही हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है तो उसका करने के बारे में मैं सोच रही हूँ। तो पहले नौ दुर्गे निवट जाने दें, या फिर नौ दुर्गों से ही शुरू कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।